everyday activities वो कैसे करते हैं. They love to see all those things. Concept पूरा same है. Concept पूरा same है. Maybe you know there's less of arguments or fights in our Kannada whatever I have experienced. क्योंकि मेरे when I was there almost 106 days I was there till the finale. I was the first runner-up. So I was the most calm and composed because for me it was not of winning Big Boss. It was being nice over there. People need to know what I am. Because in 3 months you can't change your character and just to win a cup. You can't change your character, which is very important. We come outside and people see us exactly what we are inside. So I maintained a dignity over there, which I am actually outside. I was the same inside also. So it is very important for an actor, Big Boss house, you know, it's very important for an actor to portray वो कैसा है actually, वो आदमी कैसा है, उसका व्यक्तित्व कैसे है, that shows over there. Happiness की definition क्या है आपके लिए, क्या चीज़ है जो आपको खुश है? Happiness is something to make your soul to not be greedy, to mingle with people, to spread humanity. Spreading humanity is the best happiness in life what you can get. आप कर रहे हैं humanity के लिए कुछ काम? Absolutely. See, humanity के लिए you need not have to start off with an organization और किसी को financially help करना ज़रूरत नहीं है. Being human is अगर आप किसी को मिलते हैं, we are living in a society with people. So greeting people is humanity. Being nice to people is humanity. Smiling with them is humanity. Not thinking negativity is humanity. So which is lacking with our surrounding, our society. We need to improve with humanity actually. Lot of comedy is there और रोना धोना तो है ही. नाम ऐसा है तो इसीलिए आप लोगों को लग रहा है कि बहुत रोना धोना है, but इतना ज़्यादा रोना धोना नहीं है. Starting से तो बहुत ज़्यादा comedy देखने को actually आप लोगों को मिलेगा. Yeah, it's a completely family drama है इसमें. Main thing is Dinkar ji almost 40 years. And every character like you know people can connect कि अच्छा ये तो मैंने तो ऐसा किया था, अच्छा मैंने भी कभी ऐसा किया, you know, so it's like that. मेरा अभी जो है first I see the script of course. फिल्म इंडस्ट्री में सबसे पहले स्क्रिप्ट होता है. स्क्रिप्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. उसके बाद डायरेक्टर आते हैं, उसके बाद को एक्टर आते हैं, बट मेन थिंग इज स्क्रिप्ट. स्क्रिप्ट अगर अच्छा नहीं है तो ऑब्वियसली जितना भी अच्छा स्टारकास्ट है, जितने भी अच्छे डायरेक्टर है, लेकिन वो चलेगा नहीं. तो स्क्रिप्ट इज द मेन थिंग. सो आई सी द स्क्रिप्ट. ये मूवी है जिस मूवी का नाम है ओ पुष्पा आई हेट टीयर्स, जिसमें मैं अनुश्रुति सरकार और मैं उसमें जो मेरा किरदार का नाम है टीना, जो एक बहुत ही यू नो एम्बिशियस और मॉडर्न ग्लैमरस लड़की की रोल में प्ले कर रही है. और मेरी जो लव इंटरेस्ट है, मैं कार्तिक की गर्लफ्रेंड की रोल प्ले कर रही हूँ. सो उसमें एक्चुअली आप लोगों को बहुत रोमांस देखने को मिलेगा, कॉमेडी देखने को मिलेगा और हाँ थ्रिलर भी है. तो इसमें एक्चुअली जो पुष्पा आई हेट टीयर्स का जो टीयर्स है, सो दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ मी. मेरे लिए मैं सबको आंसू एक्चुअली मेरी वजह से आंसू सब कैसे आता है पुष्पा को, सो ये है. और मुझे लगता है मसाला फिल्म है. गुजरे दिनों में एक फिल्म आई थी पति पत्नी और वो, क्या ये माना जा सकता है कि उसी जमीन पर इस फिल्म को बनाया गया? एग्जैक्टली नहीं है पति पत्नी और वो, हाँ समहाउ वो जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जो गर्लफ्रेंड और बीवी, हाँ तो यही है. इससे पहले कितनी फिल्मों में आपने किरदार निभाए हैं और कौन सी फिल्में रही हैं? मैंने साउथ की फिल्म से स्टार्ट किया था, तो साउथ की फिल्म मैंने एक साउथ फिल्म किया और उसके बाद मेरी बॉलीवुड फिल्म और मेरी लास्ट जो फिल्म थी वो वन डे जस्टिस डिलीवर्ड बोल की फिल्म आई थी, जिसमें हम लोग अभी ये दिस इज माई सेकेंड बॉलीवुड फिल्म. क्या ख्वाब है आपका इंडस्ट्री में, कितने महान कलाकार जिनके साथ आप काम करेंगे? ऑब्वियसली मैं बहुत एम्बिशियस हूँ और जस्ट स्टार्टिंग में बहुत काम करना चाहती हूँ और सबके साथ करना चाहती हूँ, हर एक्टर के साथ, बड़े एक्टर के साथ, हर बड़े डायरेक्टर के साथ और हर तरीके का रोल मुझे प्ले करना चाहिए. और वेलकमिंग अस ओ पुष्पा हेट टीयर्स मूवी 28 फेब को रिलीज़ हो रहा है, तो उसका हम प्रमोशन कर रहे हैं एंड बहुत अच्छा महसूस हो रहा है क्योंकि द रिस्पॉन्स इज़ वेरी गुड ऑफ द ट्रेलर और सॉन्ग्स का। तो ये दिनकर कपूर जी का एक सपना है क्योंकि ही हैज़ रिटन द स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स रिटन बाय आदिश के अर्जुनजी। मैं खुश नसीब हूँ क्योंकि मेरा डेब्यू है बॉलीवुड में विद अ गुड को स्टार्स, विद अ गुड टेक्निकली वेल मेड पीपल एंड विद अ वेरी गुड सब्जेक्ट, सो आई एम श्योर पीपल विल लव दिस मूवी। इंदोरियंस के बारे में क्या कहेंगे आप इस फिल्म को लेकर? फर्स्ट थिंग इज इंदौर इज अ ब्यूटीफुल प्लेस। इंडिया का वेरी क्लीन सिटी है इंदौर, ओके दैट्स द मेन थिंग। अगर आपका जगह क्लीन है ना, लोग क्लीन होंगे, साफ होंगे, सो आई एम श्योर पीपल आर फैंटास्टिक होंगे। बहुत अच्छा लगा और हमारा मूवी इधर रिलीज हो रहा है। आई एम श्योर इंदौर के लोग विद देयर लव दे विल वेलकम हर्स एंड दे विल प्रमोट आवर मूवी by watching it. Sir, आपके upcoming projects आपको 2 releases हैं साउथ में। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.